ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो पहले दाखिला स्कूलों में लेते हैं आके। कराची में 80% स्कूल हैं ही प्राइवेट। जनरल ग्रुप में पास होते हैं उनको भी कॉमर्स में दाखिला मिलता है। दो सब्जेक्ट के एग्रीगेट पे जो है हम लेंगे, 7 सब्जेक्ट को बाकी को मार्क्स दी। इंग्लिश में भी इसके इतने होंगे, पाकिस्तान स्टडी में कितने होंगे। 3 घंटे का बजाय 2 घंटे का पेपर किया गया, कंपलसरी के इम्तिहान ही नहीं लिया गया। अनोखा किस्म का जो है वो सिस्टम था जिसको राइज किया गया था 1 साल के लिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राहिल गिल और आप देख रहे हैं हमारी वेब। आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं जिनसे मुलाकात मैं आपकी करवाने जा रहा हूं, उनके हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें टाइम दिया, क्योंकि वो एक बहुत ही मसरूफ आदमी हैं। मैं बात कर रहा हूं चेयरमैन बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची प्रोफेसर सईद शरफ अली शाह साहब की। उनको वेलकम करते हैं हमारे शो में। और आज जितने भी बच्चे प्राइवेट पेपर देना चाहते हैं, इम्तिहान देना चाहते हैं, या बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से उनका वास्ता पढ़ने वाला है या कभी पढ़ा होगा, तो उनके बहुत सारे सवालात के जवाब जो हैं उनको आज मिल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया हमें और हमारे साथ गुफ्तगु करने के लिए आपने हमें बुलाया। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की जब हम बात करते हैं कराची की, तो बहुत सारे बच्चे प्राइवेट इम्तिहान देते हैं 9वीं के 10वीं के। तो सबसे पहले तो लोग भी ये जानना चाहते हैं, स्टूडेंट्स भी ये जानना चाहते हैं कि इसका आखिर तरीक़ेकार एग्जैक्टली होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं उनको तब पता चलता है जब शायद इनरोलमेंट हो जाती है, जब फॉर्म चला जाता है। तो ये किस तरह से पता चलता है कि भाई इम्तिहान होने वाले हैं और अब जो है हमें फॉर्म भरना है? एक तो फॉर्मली हम अखबार में प्रेस रिलीज जारी करते हैं जी, जो तकरीबन कराची के तमाम अखबार में 90% अखबार हमारा प्रेस रिलीज शाया करते हैं। ठीक, बड़े अखबारों से लेकर जो है वो छोटे जो है अखबारों तक उस सब हमारा प्रेस रिलीज शाया करते हैं, जो भी हमारा अनाउंसमेंट होती है। रेडियो पे भी, आपके जो FM चैनल वगैरह उन पे भी आता है, फलां क्लास के जो इनरोलमेंट शुरू हो गई है और इस फलां के एग्जाम फॉर्म भरे जा रहे हैं, इस तरह से इस बात को मुस्तैर करते हैं। जब प्राइवेट स्टूडेंट्स की हम बात करते हैं, जो प्राइवेट इनरोलमेंट होती हैं, तो ये इनकी कितनी तादाद होती होगी तकरीबन सालाना जो है वो, कितने बच्चे? अभी आपने जैसे बोला 4 लाख बच्चे होते हैं, तो उसमें स्कूल्स वाले भी होंगे, रेगुलर वाले। हाँ, तो प्राइवेट कितनी इनरोलमेंट हो जाती है? टोटल 7,000 होते हैं, तकरीबन 4,000 प्राइवेट वाले होते हैं जो किसी डायरेक्ट होते हैं। हाँ, जो स्टूडेंट्स हैं जो प्राइवेट इम्तिहान दे रहे हैं, जो प्राइवेट इनरोलमेंट हो रहे हैं, इनकी बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि हम किस ग्रुप के इम्तिहान दे सकते हैं, तो आया वो साइंस के भी दे सकते हैं या सिर्फ उनको जनरल में ही देना पड़ेगा? नहीं, जो सिर्फ डायरेक्ट आके बोर्ड में इनरोलमेंट करवाता है तो उसको, और जो है जनरल ग्रुप में ही, अगर प्राइवेट कैंडिडेट कहलाता है तो वो जनरल ग्रुप में ही आपको अपने आप को इनरोल कराएगा और उसके बाद जो है वो एग्जामिनेशन फॉर्म भरेगा। तो मतलब वो उसकी जो मैट्रिक होगी वो जनरल ग्रुप की होगी। हाँ, तो आगे जाके ये जैसे प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग में दाखला नहीं ले सकते? नहीं, लेकिन कॉमर्स में लेते हैं। ओके, कॉमर्स में मिलती है दाखला उनको, लेकिन मैट्रिक में कॉमर्स ग्रुप है ही नहीं, इसीलिए फकत जो है वो जनरल ग्रुप और साइंस ग्रुप है। ठीक, तो इसीलिए जो जनरल ग्रुप में पास होते हैं उनको भी कॉमर्स में दाखिला मिलता है। ठीक है। अच्छा सर, जनरल ग्रुप में एक बच्चे ने मैट्रिक कर ली, उसको पता नहीं था, अब वो चाहता है कि मैं साइंस में चला जाऊं या साइंस ग्रुप में मैं एडमिशन ले लूं, तो कोई तरीका है कोई और पेपर दे के, कोई एक्स्ट्रा पेपर दे के उसको जो है साइंस में दाखिला मिल जाए? क्योंकि उस तरह से कंपलसरी पेपर तो उसने पास कर लिए, अब उसको दोबारा जो है वो 7 पेपर 8 पेपर देने पड़ेंगे साइंस ग्रुप के जी। अब वो फिजिक्स केमिस्ट्री वाले 9th की भी देने पड़ेंगे और मैट्रिक की भी देने पड़ेंगे उसको, वो फकत जो कंपलसरी सब्जेक्ट जो जनरल ग्रुप के साथ दे सका है उनमें तो उनको नहीं देना पड़ेंगे, लेकिन साइंस के तमाम पेपर देना पड़ेंगे उसको, साइंस के वापस वापस देने पड़ेंगे। हाँ ठीक है। बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जैसे रेलवे हो गया, आर्मी हो गया या दूसरे इदारे हो गए, जिनमें पोस्टिंग होती रहती है। अब एक बच्चा है जिसकी पोस्टिंग उसके वालिद की या जो भी उस पोस्टिंग थी लाहौर में थी, फॉर एग्जांपल फेडरल बोर्ड में उसने 9वीं के इम्तिहान दे दिए, तो अब उसकी पोस्टिंग हो गई है कराची में, तो वो कराची शिफ्ट हो गया। तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं उनको भी कराची बोर्ड जो है वो फैसिलिटेट करता है? ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो पहले दाखिला स्कूलों में लेते हैं आके। अच्छा, ट्रांसफर होने के बाद स्कूल में लेते हैं, तो स्कूल की तरफ से जो है वो उनका फॉर्म यहाँ पर आते हैं, और अगर कोई बच्चे डायरेक्ट हमारे पास से आते हैं तो उनको वहाँ से माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा। अब वरना जो बाकी जो स्कूल के थ्रू आते हैं तो उनको भी फॉर्म जमा कराने को हम कहते हैं कि इनका माइग्रेशन सर्टिफिकेट जमा कराएं। ठीक, तो स्कूल वाले तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के वो जब फॉर्म फिल करते हैं उनका, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगा देते हैं उस पर। अच्छा सर, ये तो हमने इनरोलमेंट की बात करी, अब कोविड एक बहुत जो है मसला पिछले 2-3 साल से चलता हुआ आ रहा है हमारे साथ, पूरी दुनिया में चलता हुआ आ रहा है, तो कोविड की वजह से कुछ बच्चों पे इम्पैक्ट पड़ा है, किस तरह से बच्चों ने रिएक्ट किया और किस तरह से रिजल्ट में फ़र्क आया, क्या हुआ? पहले तो फ़र्क ये पड़ा कि जब स्कूलों की इंफॉर्मेशन के मुताबिक कि बच्चे स्कूल आना ख़त्म छोड़ दिया क्योंकि उनके पेरेंट्स बेरोज़गार हो गए, तो गरीब आदमी थे तो उन्होंने
जब हमने फी मांगी तो उन्होंने स्कूल में भेजना बंद कर दिया। तो उस तरह से जो है वो बच्चे काफ़ी नंबर स्टूडेंट्स का जो है वो कम हो गया। फिर जो है वो जब इम्तहान की फ़ी के बारे में, तो फिर उन्होंने कहा कि जी इतनी फ़ी नहीं दे सकते, अब उनकी जो है वो अफोर्डेबिलिटी काम बहुत कम हो गई है, अब जो फीस जो है वो आप कम कर दें, लेट फ़ी बिल्कुल माफ़ कर दें। तो उस वजह से जो है वो पूरी तरह से क्लासें नहीं हुई, कोर्स का टेल किया गया और जो है इम्तहान का पैटर्न चेंज कर दिया गया, और फकत जो है वो कोर्सेज भी जो है वो इम्तहान सिर्फ दो मैट्रिक में दो सब्जेक्ट से लिया गया और कंपलसरी के इम्तहान ही नहीं लिया गया। तो वो जनरल ग्रुप में भी ऐसा किया और उसमें साइंस ग्रुप में भी ऐसा किया, सिर्फ जो है इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम हमने कंडक्ट किया। और इलेक्टिव के जो है वो दो सब्जेक्ट के एग्रीगेट पे जो है हमने 7 सब्जेक्ट को बाकिया को मार्क्स दी कि जी इसने फिजिक्स के में मैथमेटिक्स में मार्क्स दिए, तो उस एग्रीगेट बना के इंग्लिश में भी इसके इतने होंगे, पाकिस्तान स्टडी में इसके इतने होंगे, और ये किस्म का के फार्मूला हमने बनाया। शौकत महमूद साहब मिनिस्टर साहब वो भी ऑन इस पूरी प्लानिंग में शामिल थे, किस तरह से मार्किंग होगी, किस तरह से जो है वो इस रिजल्ट बनाए जाएंगे। तो बहरहाल वो एक अनोखा किस्म का जो है वो सिस्टम था जिसको राइज किया गया था एक साल के लिए, क्योंकि उससे पहले 2020 में तो इम्तहान ही नहीं हुआ, इम्तहान कोविड का ही हालत थी, इम्तहान नहीं हुआ। 21 में इम्तहान हुआ तो उसकी अपने लवाजमात नए स्टाइल से किए गए, 3 घंटे के बजाय 2 घंटे का पेपर किया गया, सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट से पेपर लिया गया, और फिर उस पैटर्न चेंज कर दिया गया। पैटर्न में ये कहा गया कि जी आप इसमें 50% MCQs होंगे, 30% शॉर्ट कोर्सेज शॉर्ट आंसर्स होंगे, 20% जो है लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव। तो ये एक अनोखी चीज़ थी, डिफरेंट चीज़ थी, जिसको जो है वो इस साल फैसला किया गया है कि अल्लाह खैर करे कि इसको अडॉप्ट नहीं किया जाएगा दोबारा। अच्छा, कुछ बच्चे जो है जैसे आपने कहा कि उनको उस उन्हीं एक दो सब्जेक्ट के जो पेपर दिए उन्होंने उसी के बिहाफ पे उनके बाकी सब्जेक्ट के भी नंबर दिए, तो अब के कुछ कुछ बच्चों के वो कहते हैं जी सी ग्रेड आ गया हमारा, डी ग्रेड आ गया और अब हमें आगे दाखिला ही नहीं मिल रहा कॉलेज में, तो वो बच्चों के क्या किस तरह से अब वो क्या करें वो आगे बच्चों के, क्योंकि हमने तो समझा कि सब मार्क्स ज़्यादा आएंगे, हमने ज़्यादा मार्क्स दिए थे क्योंकि MCQs था, तो MCQs में लोगों ने कुछ बहुत ज़्यादा लिए, कुछ बच्चे बेचारे बड़े जो है वो अपने जो है वो कॉन्फिडेंस वजह से मारे गए कि सही जवाब नहीं दे सके तो मार्क्स उन्हें कम आ गए। अब उनके लिए हल कोई भी नहीं है, ये कराची में तो कैप की पॉलिसी है और अकॉर्डिंग टू कैप की पॉलिसी से मेरिट पे जो है वो एडमिशन होता है, और बट लोगों को दाखला तो मिल जाता है लेकिन चॉइस का कॉलेज नहीं मिल सकता जी बिल्कुल इस जो है कंडीशन में। तो उनके लिए जो है और कोई तरीका नहीं है सवा इसके कि जो है वो जिस भी कॉलेज में दाखिला मिले, चाहे वो उनके लिहाज से उनके हाई स्टैंडर्ड कॉलेज नहीं है लेकिन उसको दाखिला लेना चाहिए, और फिर उन घर पे पढ़े या ट्यूशन पढ़े या वट एवर करके, और जो है वो अपना इम्तहान दें। और बिल्कुल लेकिन वो उसमें एडमिट नहीं हो पा रहा है किसी भी लेवल पे, तो उसको रिपीट करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा और उसको दोबारा जो है पेपर तमाम में अपेयर होना पड़ेगा, और वो रीअपेयर होकर अपने ग्रेड इम्प्रूव कर सकता है, और कोई तरीका नहीं। ये बताएंगे बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची क्या स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है, अगर करता है तो उसका क्या क्राइटेरिया है, किस तरह से स्कॉलरशिप मिल सकती है? ये 100 स्कॉलरशिप होती हैं जो बोर्ड जो है वो देता है अपने जो है वो मेरिट पे। ओके। और मेरिट पे जो है देता है और उसकी अनाउंसमेंट होती है और फिर स्कूल से कहा जाता है कि आप अगर बच्चा आपका जो है वो इसमें है, आप समझे मेरिटोरियस है, तो वो उसमें अप्लाई करे और फिर उसकी मेरिट बना के और स्कॉलरशिप भी 100 स्कॉलरशिप दी जाती है। तो ये सिर्फ स्कूल वाले बच्चों को दी जाती है, प्राइवेट को भी दी जाती है? सबको, कोई भी एनीबॉडी कैन कम्प्लीट। ठीक। अच्छा, जो टीचर्स होते हैं इनकी ट्रेनिंग का क्या सिलसिलेकार है? जो टीचर्स में उनकी बात कर रहा हूँ जो इम्तहानात में होते हैं, जो इम्तहान होते हैं तो उस वक्त जो लुक आफ्टर कर रहे होते हैं कि कोई चीटिंग ना करे, तो उनको किस तरह से ट्रेनिंग का सिलसिला चलता है? ये हमारे बोर्ड का डोमेन नहीं होता। ओके। कि टीचर्स जो करते हैं सुपरविजन इन्विजिलेशन उनको ट्रेन करें, वो मैडम नहीं होता, लेकिन जो हम वहाँ अपने सुपरिटेंडेंट मुकर करते हैं जी और स्कूल के हेडमास्टर जो होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो जो जिन पे कॉन्फिडेंस करते हों या जो समझें कि ये ज़्यादा सही परफॉर्म कर सकते हैं अपनी ड्यूटी एज इन्विजिलेटर, तो उनको वो रखते हैं। लेकिन हमारे पास जो है इन्विजिलेटर्स का जो है वो ट्रेनिंग कराने का कोई
जो डोमिनिंग है यहाँ पे, कोई सिस्टम नहीं है इस किस्म का। अमूमन जो इम्तहानात जो सेंटर्स होते हैं वो सबको पता होता है कि यार ये इस इलाके में, इस इलाके में, इस इलाके में, तो उनको किस तरह से फैसिलिटेट किया जाता है? और क्या आपको पहले से पता होता है कि यार इस ये वाला जो सेंटर है ये थोड़ा सा वीक है, यहाँ पे चीटिंग होने के चांसेस हैं, तो यहाँ की देखभाल ज़्यादा करनी चाहिए, यहाँ पे ज़्यादा सिक्योरिटी लगानी चाहिए, तो पहले से आपको ये पता होता है? नहीं, कुछ तो कुछ पता होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कम पता होता है। अच्छा, यहाँ पे हमारी एक इंस्पेक्शन टीम है जिसमें पुराने सीनियर डीओज और हेडमास्टर्स होते हैं, उनका काम होता ही है इंस्पेक्शन करना, तो वो जाते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं और रिपोर्ट देते हैं अकॉर्डिंगली, फिर उनके अकॉर्डिंग टू उनके रिपोर्ट के जो है फिर हम जो है वो सेंटर्स जो है लगाते हैं। उसके बावजूद फिर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो है वो भी एक बड़ी सर का दर्द है, तो वो भी अपने जो है वो तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं कि सेंटर चेंज कर दें या मेरा सेंटर ना लगाएं या मेरा सेंटर लगाएं। बहुत इमीडिएट फैसला करना होता है, करें ना करें, वो कुछ कहते हैं वापस लें, स्टूडेंट कम करें, इसमें स्टूडेंट ज़्यादा करें, तो वो अभी मेरा तो पहला तजुर्बा था ये लास्ट ईयर का जी, होपफुली इस साल जो है मैं उतरा। मैंने आपकी एक वीडियो भी देखी थी कि आप इम्तिहान जो सेंटर्स हैं वहाँ के आप विजिट करें, तो आई एम श्योर के आने वाले वक्त में बिल्कुल बेहतरी है। हाँ, इंशाल्लाह बेहतरी है। मैं ठीक। अच्छा सर, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल और है, बहुत सारे लोगों को ये बात चल रही है, अफवाह चल रही है, अभी आप कंफर्म करेंगे कि 9th और 10th में पहले 5-5 सब्जेक्ट थे मेरा ख्याल है, तो क्या इसके सब्जेक्ट्स में इजाफा किया गया है या कुछ कमी की गई है? हाँ, वो अब जो है वो करिकुलम बेस्ड होता है फेडरल सब्जेक्ट, तो उसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पास के बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया है, तो उन्होंने अभी कहा है कि जैसे डिसीजन लिए कि अब यहाँ पे भी जो है वो 7 सब्जेक्ट्स होंगे 5 के बजाय, 9th में भी 7 देने पड़ेंगे और मैट्रिक में भी, सिलेबस पूरा रिवाइव किया है और उसको फिर दोबारा स्कूल्स को डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया है कि इस तरह से जो है इस दफ़ा आपके पेपर बढ़ गए हैं और पेपर ज़्यादा देने पड़ेंगे बच्चों को। ठीक, यानी कि 4 पेपर जो है वो अब ज़्यादा हो गए। ज़्यादा हो गया। ठीक है। अच्छा सर, एक पहले फंक्शन किया जाता था, जो बच्चे पोजिशन होल्डर्स होते थे उनके लिए फंक्शन किया जाता था, मेरा ख्याल है कोविड की वजह से पिछले 2 साल से 2-3 साल से नहीं हो रहा, तो क्या वो इस साल होगा जो बच्चे टॉप कर रहे हैं? होगा, अगर ये कोविड ने इजाज़त दी, लोगों को बैठना दिया, साथ बैठने की इजाज़त मिली, तो डेफिनेटली होगा और इंशाल्लाह ताला होगा। वी शुड हैव पॉजिटिव इमेज ऑफ एवरीथिंग, उम्मीद करनी चाहिए अल्लाह सब खैर करेगा तो ज़रूर होगा। अच्छा सर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक और सवाल है, बड़ा मेरे दिमाग में घूम रहा था कि चले साइंस की अगर बात करें, साइंस ग्रुप जो है ये तो ऑब्वियसली प्राइवेट स्कूलों से ही बच्चा जो है पोजीशन होल्डर आएगा, बट जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं यहाँ से कोई पोजीशन होल्डर नहीं आता बच्चा, ये कोई ख़ास वजह है इसकी या बच्चे पढ़ते नहीं हैं गवर्नमेंट स्कूलों में, क्या करते हैं? नहीं, वो जो है वो रेशो वाइज है, अब हमारे पास कराची में 80% स्कूल हैं प्राइवेट जी, फकत 20% जो है वो जहाँ पे हैं जो है 20% स्कूल सरकारी हैं, तो 80% जहाँ परसेंटेज ज़्यादा होगी तो वहाँ से जो है बाद में उस तरीके का जो है वो चांस उनके ज़्यादा होते हैं, बनस्पत जैसे कम है तो वहाँ पे कम परसेंटेज जो है एक्सपेक्टेशन होती है कि वहाँ से बंदा निकले पोजीशन होल्डर। हमने जब मैट्रिक किया उस वक्त तो मोबाइल फ़ोन थे ही नहीं, अब तो बहुत आम हो गया बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन, तो ये जो इम्तिहान सेंटर होते हैं जहाँ पे आप पेपर देने चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या बच्चों को अलाउ होता है मोबाइल लेके जाना अंदर या नहीं होता? अलाउ नहीं था पहले, लोग क्या था लेकिन उससे वर्षे पे जो प्रॉब्लम हुई थी उसके बाद हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी कि भाई कोई मोबाइल अंदर नहीं ले जा सकता, पुलिस की डिप्लॉयमेंट के बगैर मुमकिन नहीं है, आम टीचर नहीं तलाशी ले सकता। वैसे अलाउ नहीं है? अलाउ नहीं है, इस दफ़ा हमने ये ऑर्डर निकाला था, बल्कि जो है होम डिपार्टमेंट ने भी कहा था कि मोबाइल ले जाने का मना है। अच्छा सर, आप मैं चाहता हूँ कि जितने बच्चे स्टूडेंट्स देख रहे हैं अगर आप उनको कोई एडवाइस देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो प्लीज़ कैमरा आपके सामने, आप ज़रूर उनको कोई एडवाइस दे सकते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाएं। ज़िंदगी बेहतर ऐसे बनाएं कि वो अपनी तालीम पर तवज्जो दें और अपनी तालीम के साथ जो है को करिकुलर एक्टिविटीज़ में अपनी फ़िज़िकल फिटनेस को भी जो है का ख्याल रखें, और जब जहाँ पढ़ते हैं पढ़ने के साथ सिर्फ मोबाइल पे और जो है वो गेम्स पे खेलने के से ज़्यादा जो है तवज्जो अपनी आउटडोर स्पोर्ट्स पे दें जहाँ तक मुमकिन हो, और उसके साथ साथ मुकर्रर टाइम करें जो आप तालीम अपने पढ़ाई के लिए मुकर्रर टाइम करें, 2 घंटे 3 घंटे जितना आप जो बर्दाश्त कर सकते हैं, हर एक स्टूडेंट अपनी कैपेबिलिटी होती है, कोई 3-3 घंटे पढ़ सकता है, कोई 1 घंटे में थक जाता है पढ़ने में, तो बेटा जितना पढ़ सकता है वो उसको ज़रा बढ़ाएं आस्ते आस्ते, टाइम पढ़ने का टाइम बढ़ाएं और अपनी जो है वो तवज्जो के साथ
تعلیم حاصل کریں تھینک یو سو مچ سر آپ نے اتنا سارا ہمیں ٹائم دیا اور اتنی ساری انفارمیشن آپ کی مہربانی آپ نے ٹائم نکالا آپ آئے اور کراچی کے بچوں کی انفارمیشن کے لیے آپ نے کافی اچھے سوالات پوچھے اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو یہیں ختم ہوتی ہے امید کرتے ہیں کہ جتنے بچے وہاں دیکھ رہے ہیں اگر وہ امتحانات دینا چاہتے ہیں یا دینے والے ہیں یا خواہش رکھتے ہیں امتحان دینے کے تو بہت سارے سوالات کے جوابات ان کو اس ویڈیو کے تھرو مل گئے ہوں گے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے لیکن جانے سے پہلے آپ ہماری web.com کو لائک کر سکتے ہیں سبسکرائب کر سکتے ہیں اور شیئر کر سکتے ہیں میں ہوں راہیل گل خدا حافظ